छो जाओ छोटू, निन्नी कर लो। अरे मेरा बच्चे को झूला चाहिए भैया। अच्छा अच्छा ज्यादा महंगा 6,000 का आवे। हो गया है सिलेंडर खत्म। चलो ये रखा। और आज का जो मौसम है ना वो बहुत 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 गंदा मौसम हो रहा। कोई ज़रूरत ही नहीं है इस मौसम की अभी, हमें तो है नहीं खासकर, क्योंकि हमारे बहुत सारे कपड़े गिले हो रहे हैं। चलो भाई मेरे पे आता नहीं सिलेंडर लगाना, पर हमारी कविता रानी लगा देगी। चलो चलो भागो 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 भागो, कहना माटू का भागो। चाय बन गई हमारी, चिमनी उतर के चली गई। और ये देखो चिमनी के पीछे इसको वही साफ करेंगे। चिमनी की हमारी कोई अपडेट अभी तक नहीं है। छोटे बड़े काम वैसे हर एक घर गृहणी को आने चाहिए। इसका मतलब मैं एक सुलभ गृहणी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सिलेंडर लगाना। हाँ बेटा कौन सा बंदा स्मेल नाइस। माताओ माता जी आप रुक जाओ प्लीज प्लीज कंट्रोल। अच्छा सिलेंडर तो एक और रखा ना, खाली है तो खाली है। मैं नहा के आई हूँ अभी और तुरंत ही जो है वो मुझे एक गुड न्यूज़ मिली कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। जैसे ही मैं नहा के निकली वैसे ही मुझे ये गुड न्यूज़ मिली है, जिसको मैं सुन के खुश हो गई। वाओ सिलेंडर खाली रखा ना अभी छोड़ते। हाँ हमारे बच्चे झूलेंगे इस पर। एक तो सो रही है, छोटू का तो पता नहीं क्या हो रहा बेचारी पे, ग्रह चढ़ रही बहुत तकड़े वाली। सुबह से दो बार चोट लग ली आज बच्ची को। चलो चलो मैं भी ना, पहले करेंगे हम नाश्ता, पहले पहनेंगे हम सॉक्स और उसके बाद करेंगे नाश्ता और उसके बाद फिर वीडियो बेडशीट का वीडियो बनाना है। फिर काम पहले खाना पीना फिर दूसरा काम। तो जी ये आ गया हमारा नाश्ता, जिसमें है ये आलू जो कि पाकी को सुबह टिफ़िन में दिए हैं, और ये मेरा फेवरेट मेरी माँ के हाथ का अचार ये चाय और ये रोटी। चलो पहले नाश्ता करते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जब भी हम पराठे बना रहे ना तो पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा धुआं धुआं सा हो रहा है, तो फिर ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जैसे पराठे वगैरह बना रहे हैं पूरी। वरना मौसम ऐसा हो रहा है ऐसे में पूरी वगैरह खाने का बहुत मन करता है। 3 दिन हो गए हमारे चिमनी को गए हुए, चिमनी नहीं आई है, और फिर देखते हैं आज कल में आ जाएगी तो ठीक है, वरना फिर कुछ और देखना पड़ेगा, एडजस्ट वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा। अगर वह उठगी ना मैं तेरे सारे आलू प्याज बिकवा दूंगी फिर। क्या आलू प्याज बिको चल। तो जी भी नाश्ता हो गया है और अभी मैं सोच रही हूँ एक बार ना बाल कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है अपने काम पे लगते हैं, है ना, फिर नहीं भाए जाएंगे वरना मेरे से बाल ना। तो जी अभी बाल भी अपने अच्छे से हो गए हैं और यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ना
अभी बनाऊंगी बेडशीट का वीडियो, उसके बाद फिर काम पे लगेंगे, फिर ना वीडियो लेट हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले और विंटर की बेडशीट का मुझे बनाना है। अनाया को ने ला के जो है वो सुला दिया है, और मैं आजकल बस थोड़ा सा ना अपने चेहरे पे सिर्फ लगाती हूँ एलोवेरा जेल, और काफ़ी थोड़ा थोड़ा जो है ना ये मुझे सूट भी आ रहा है अभी, मैं और कुछ भी नहीं लगा रही अभी। और अभी मुझे याद आया, मैं कह रही मेरा ना चेहरा बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि सर्दियों में हो ही जाता है। और मैं मंगवाऊंगी सेटाफिल का जो मॉइस्चराइज़र आता है ना वो वाला, क्योंकि सेटाफिल का फेस वॉश भी मुझे सूट आता है आजकल। तो मैं कविता जी जो है हमारी धुलती है उसमें फेयर एंड लवली का जो फेस वॉश आता है वही मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसका काफ़ी बेटर रिजल्ट मिल रहा है, दाने वगैरह भी नहीं हो रहे और बहुत मतलब वो हो रहा है। तो मैं सोची हूँ कि देखते हैं यूज़ करके कि कैसा वो रहता है उसका। और अभी चलिए पहले बनाएंगे वीडियो, और उसके बाद फिर जो है वो बाकी का काम करेंगे। और आज ये वाला जो है ये, क्योंकि सर्दी लग रही है और जो कुर्ती वगैरह है वो तो मेरी निकली नहीं, क्योंकि वो धुली भी नहीं, एक बार धुल गया है तो मैंने फिर यही पहन लिया, क्योंकि आज है ना ठंड है, मौसम बिल्कुल अलग सा ही आज हो रहा है। तो चलो बातचीत भी होगी। मैंने चश्मा यहीं रखा था क्या, यहाँ से उठा लिया था, नहीं इसका डर है, जो वो वाला चश्मा वो तो गिर भी जाए तो टूटता नहीं, ये टूट जाएगा ना, ये हैवी है। हाँ ये इसका स्प्रे है, तो यहाँ पे ना मेरा स्प्रे है ये चश्मे का, ये साफ करने का। तो पहले मैं इसको चश्मे को ही साफ करती हूँ। वाले पर्दे भी डाल दे मैं, कविता इतने मशीन में सोच रही, ये वाले पर्दे ही डाल दे मैं, हैं ये वाले डाल दें इसमें है? ये वाले उतार के इस पे चढ़ना पड़ेगा स्लेब पे। चल मैं चढ़ूंगा ना। तो जी चश्मा जो है वो साफ कर लिया है मैंने ये वाला, और सोच रहे हैं किचन वाले पर्दे डाल देते हैं। अभी वाले पर्दे ना नए ही जब मैंने लगाए थे तभी से ना मुझे बड़े गंदे गंदे से लग रहे थे, मशीन चालू हो ही गई है, वो वाली पाइप वगैरह लग गया, तो इसमें ना यहाँ पे मुझे चढ़ना पड़ेगा ऊपर और फिर ये पर्दे निकलेंगे। पर ये है कि इसको डाल देंगे उसमें फिर ऐसे ही टांग देंगे तो हो जाएगा। और ये कि माला हटानी है मुझे, बड़ी गंदी लग रही है ना ये, यहाँ पर इसको हटाते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ी थी बस ये यहाँ पे मैंने। और ये सच में बड़ी गंदी लग रही मुझे अब यहाँ ये माला ना। ये ना सर्दियों की वजह से भी मैंने बंद किया है, और फिर उधर दूसरी साइड ना सच में बड़ा गंदा है वो, इस वजह से भी मैंने फिर ये विंडो बंद कर दी, और इसी वजह से जो है वो हो रही है पराठे नहीं हम बना रहे। और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको, सारे डल जाएंगे ऊपर ही, निकल जा तो सही है। अंदर आ, अंदर आ, अंदर आओ, चल ओके। नहीं पता है इसमें ना यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी दिक्कत ही हो रही है, देखिए पूरे घर में ना बहुत ही ज़्यादा सीलन आ रही है। अभी हम बुलाएंगे ना उनको अंकल को,
तो ये दिखाना है, ये देखो कितनी भी सफाई कर लो ये झड़ती रहती है। ये देखो इधर भी सारे ही, मतलब उसमें, और यहाँ पे देखो ऊपर तक बहुत ही ज्यादा। इधर भी सीलन है और इधर वाले रूम में भी सीलन है। ये देखो, चलो वहाँ पे तो थोड़ा हम ये भी मान लेंगे। ये देखो यहाँ पे भी सीलन है, पूरे घर में बहुत बुरी तरीके से सीलन आ रही है। और सोफों के ना पीछे है, हाँ बिछा दो। ये देखो सोफों के पीछे भी, ये देखिए बहुत सारे, मतलब पूरे घर में सीलन ही। देखते हैं अगर आज वो आ जाएंगे तो उनको दिखाते हैं, क्योंकि सीलन से ना वो झड़ता रहता है सीमेंट सीमेंट सा। चलो सबसे पहले पर्दे उतारती हूँ मैं। चलो ये मशीन चालू कर देती हूँ पहले। यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है और कपड़े धुले थे वो निकाल दिए हैं, तो मौसम अभी तो ठीक हो रहा है, तो ये जो है कपड़े सारे चले जाएंगे छत पर। और मैं इसमें से जो है एक जो जाली फिल्टर जो होता है वो निकाल रही थी, उसमें जो धागे वगैरह जो भी फंस जाते हैं वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। सबसे पहले ये तीनों पर्दे मैं लूँगी और इनको जो है वो बांध लेंगे। तो बांधने से क्या होता है कि इनके जो ये कुंदे होते हैं वो नहीं निकलते हैं, वरना मशीन में फिर इनको ना निकलने का डर रहता है। तो मैंने एक ये हैंकी रखा हुआ था तो इससे जो है इसको बांध दिया है। और अभी इसमें डालेंगे हम लिक्विड से सरफ और इसको मशीन को चालू कर देंगे। मैं ये एरियल का ही यूज़ करती हूँ, कभी कभार सर्फ एक्सल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे मशीन की ना इसकी सर्विस होनी थी तो इसकी सर्विस भी कर। मशीन चालू हो गई है, मैंने इसको ना उस पर लगा दिया है, 30 मिनट में धुल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा वो है नहीं। बेड भी सेट हो गया है और ये सुबह सुबह इस पर जो ना पानी गिर गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बेड भी। ये हमारे छोटू का मगरमच्छ, मगरमच्छ नहीं कुछ हो रहे तो क्या हुआ फोन। अभी छोटू को सो रहा था, अभी जो है ये अभी दूंगी फैलो ना, रोगी नाराज फोन देखते फोन चाहिए। लो भी, लो लो नहीं बेटा, लो ले लो ले लो ले 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 तो जी अभी तो इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रहे हैं और जो नेक्स्ट व्लॉग है अपना वो शुरू करेंगे। हाँ बेटा दे दूंगी अभी दे दूंगी। चलिए जी अभी करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा किलस रही है, बहुत ज़्यादा। चलो फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय।